नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, बॉलीवुड के मास्क महाराजा कहे जाने वाले अजय देवगन इन दिनों अपनी मैदान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी मैदान हमें इसी साल एंड इसी महीने 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में देखने के लिए मिलने वाली है, जिसे लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और एक्साइटेड हो भी क्यों ना दोस्तों, पिछले 4 साल से फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि अब फाइनली दोस्तों उनका फैंस का सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैदान इस साल सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए अब लगभग पूरी तरीके से तैयार है। वहीं दोस्तों फिल्म से अब तक इसके टीजर ट्रेलर एंड 2 ट्रेलर एंड 2 ही सॉन्ग हमें देखने के लिए मिल चुके हैं, जो कि काफी अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिला है इसके ट्रेलर और सॉन्गों को। लेकिन दोस्तों इसके बाद हमें मैदान के बाद अजय देवगन की एक और फिल्म देखने के लिए मिलने वाली है, जिसका टाइटल है रेड 2। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट हमें काफी लंबे समय पहले देखने के लिए मिला था, जो की एक पॉलिटिक्स पे आधारित था, जिसमें हमें अजय देवगन सीधे सिंपल लुक के साथ देखने के लिए मिले थे। वही फिल्म को अब से लगभग 6-7 साल पहले रिलीज किया गया था, जो कि हमें 2018 में देखने के लिए मिला था। लेकिन अब काफी लंबे समय के बाद दोस्तों मेकर्स ने इसके सीक्वल पे काम शुरू कर दिया है, और आने वाले दोस्तों इसी साल के नवंबर के महीने में ये फिल्म थिएटर में रिलीज कर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों बीते दिनों मेकर्स ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, एंड उस अनाउंसमेंट के साथ साथ मेकर्स ने मूवी की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया था, जो की थी 15 नवंबर। वहीं दोस्तों अजय देवगन की इस फिल्म में हमें इस बार अजय के साथ रितेश देशमुख भी नजर आने वाले हैं, जो की बॉलीवुड के काफी अच्छे स्टार हैं, एंड अजय के साथ वो भी इस फिल्म में थोड़ा बहुत एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। वेल दोस्तों फिलहाल तो अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म मैदान के प्रमोशन में व्यस्त चल रहे हैं, एंड मैदान को रिलीज होने के बाद दोस्तों अजय देवगन रेड 2 पर काम शुरू कर देंगे, जिसके बाद दोस्तों मेकर्स इसके ट्रेलर एंड टीजर को भी रिलीज करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिल्म से हमें कुछ सॉन्ग भी सुनने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो भाई लोगों, आप कितना एक्साइटेड हो अजय देवगन की मैदान के बाद रेड 2 को देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलेंगे को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।